हाय, मैं हूँ डॉक्टर निपुणिका श्रीवास्तव और आज मैं अपने वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ डेंगू के बाद की होने वाली कमजोरी। डेंगू फीवर जो होता है वो ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में फीमेल मॉस्किटो यानी कि मादा मच्छर के काटने की वजह से इंसान में डेंगू वायरस आता है। यूजुअली डेंगू के सिम्टम्स नहीं दिखते, बट अगर डेंगू के सिम्टम्स आते हैं तो वो यूजुअली क्या होते हैं, कॉमन कोल्ड जैसा, जैसे कि हाई फीवर या फिर वॉमिटिंग, नॉजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख ना लगना, और सीवियर केसेस में देखा गया है कि प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं और लो बीपी भी हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये सिम्टम्स जो होते हैं, अगर क्रिटिकल सिम्टम्स नहीं हैं तो डेंगू के सिम्टम्स अपने आप चले जाते हैं और रिकवरी होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन पोस्ट रिकवरी क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं डेंगू के बाद, कौन कौन सी किस तरीके की बीमारियाँ हमारी बॉडी में हो सकती हैं कमजोरी आने की वजह से, तो पहला इसमें सिम्टम जो देखा जाता है वो सिम्टम होता है इसमें कि बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होती है। पेशेंट अगर थोड़ा सा भी काम करे तो बहुत ही जल्दी थक जाता है, या इनफैक्ट अगर वो एक स्मॉल वॉक भी ले ले अपने कमरे में तो उसमें भी बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेंगू में हमारा हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम हो जाता है, यानी कि पेशेंट एनीमिक हो जाता है, और एनीमिक कंडीशन में सांस उखड़ना यानी कि ब्रेथलेसनेस होना बहुत ही कॉमन बात है और बहुत ही जल्दी थकान महसूस हो सकती है। परसिस्टेंट वीकनेस जिसे हम पोस्ट वायरल एस्थेनिया भी बोलते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, अच्छे से खाना खाएं, बैलेंस डाइट ले और भरपूर रेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है मसल पेन और जॉइंट पेन। डेंगू में डिहाइड्रेशन होना बहुत कॉमन है क्योंकि वॉमिटिंग, फीवर, एब्डोमिनल पेन जैसे सिम्टम्स इसमें देखे जाते हैं। इसीलिए पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि उसको फुल्ली हाइड्रेटेड रहना है, अच्छे से प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ले, लिक्विड्स ले, और सीवियर केसेस में इंट्रावीनस फ्लूइड्स भी डालते हैं। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ एपेटाइट यानी डेंगू के बाद भूख ना लगना एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। ये कंडीशन हम बैलेंस डाइट के थ्रू इस चीज़ को हम रिकवर कर सकते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम विटामिंस, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं बॉडी के लिए उसका इंटेक करेंगे वैसे वैसे भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो कॉमन सिम्टम देखा जाता है डेंगू में वो है हेयर लॉस। बहुत ही सीवियर अमाउंट में हेयर लॉस हो सकता है, लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि ये जो हेयर लॉस होता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, कुछ ही टाइम तक हेयर लॉस देखा जाता है और उसके बाद रिकवरी हो जाती है। इसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए, जो भी बालों को नरिशमेंट देने वाला विटामिंस, मिनरल्स लेना चाहिए, और आप डॉक्टर को दिखाएं तो वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे सर्टेन मेडिकेशंस जो कि हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट डेंगू में जो देखा जाता है वो होती है स्किन रैशेज या फिर पोस्ट डेंगू रिकवरी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, यानी हमारे ब्रेन और हमारी नर्व से रिलेटेड कंडीशंस होती हैं कुछ कुछ जो कि अफेक्टेड हो जाती हैं डेंगू की वजह से। उनमें से कुछ सिंड्रोम्स और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि डेंगू इंसेफेलोपैथी यानी कि हमारे ब्रेन में डैमेज हो जाए, या फिर इंसेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन में सूजन आ जाना डेंगू के बाद बहुत ही कॉमन चीज़ें होती है। मेनिनजाइटिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, मेनिनजाइटिस में ब्रेन में सूजन आ जाती है, और माइग्रेन जैसी कंडीशन, परसिस्टेंट माइग्रेन हो सकती है जो कि नॉर्मल दवाइयों से नहीं जाती। नेक्स्ट जो सिंड्रोम है, इम्यून मीडिएटेड न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम जिसे हम बोलते हैं गुलियन बेरिन सिंड्रोम। ये सिंड्रोम जो होता है जब हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम ही हमारे नर्व्स को डैमेज करने लगती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इम्यून मीडिएटेड न्यूरोलॉजिकल डिजीज़। इस कंडीशन को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, इसमें बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ सकती है बॉडी में, इनफैक्ट नॉर्मल वर्क डे टू डे लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, नर्व्स ठीक से काम नहीं करते, हाथ पैरों में ऐसा लगता है कि सुइयां चुभोई जा रही हैं, नॉर्मल वॉक नहीं कर पाता इंसान, को बैलेंस करने में दिक्कत हो जाती है। इस कंडीशन का कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं पता, लेकिन ये देखा गया है कि डेंगू फीवर की वजह से ये कंडीशन ट्रिगर हो सकती है। इस कंडीशन में इमीडिएट मेडिकल सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये हमारे परमानेंटली पैरालिसिस भी कॉज कर सकती है। डेंगू से रिलेटेड स्ट्रोक्स भी देखे गए हैं, और ये स्ट्रोक्स इसलिए होते हैं क्योंकि डेंगू में भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाती है, यानी कि ब्लीडिंग प्रॉब्लम होती है, प्लेटलेट्स यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर अच्छे से काम नहीं करता, यानी कि खून का थक्का ठीक से जम नहीं पाता, जिसकी वजह से इंसान को स्ट्रोक भी हो सकता है। नेक्स्ट जो सिम्टम्स देखे गए हैं डेंगू की वजह से वो होता है एंजाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि नॉर्मल वर्क डे टू डे लाइफ का जो काम होता है जो कि बहुत ही आसानी से पहले हम लोग कर लेते थे, अब डेंगू की वजह से इतनी कमजोरी आ जाती है बॉडी में कि नॉर्मल वर्क डे टू डे लाइफ वाला काम भी करना बहुत ही दिक्कत हो जाता है, जिसकी वजह से भी इंसान को यानी कि पेशेंट को ऐसा महसूस होता है डिप्रेशन में जा सकता है क्योंकि वो अपना नॉर्मल वर्क लाइफ रिज्यूम नहीं कर पा रहा है।
इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। डेंगू से रिकवरी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसके लिए समय लगता है, लेकिन डेफिनेटली इसमें रिकवरी हो जाएगी अगर आप ठीक से प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस लें। स्टडीज बोलती है कि डेंगू के बाद रिकवरी होना 100% है। कुछ स्टडीज में देखा गया है कि डेंगू के बाद भी जनरलाइज वीकनेस और टायर्डनेस बॉडी में रह सकती है, और लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख न लगना बहुत ही कॉमन सा सिम्टम है, क्योंकि डेंगू से एसोसिएटेड होता है लिवर की प्रॉब्लम। लिवर में अक्सर देखा गया है कि डेंगू की वजह से लिवर का साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं फैटी लिवर डिजीज। फैटी लिवर डिजीज में क्या होता है, खाना ठीक से पच नहीं पाता, और वही डेंगू की वजह से जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। इन सब कंडीशन की वजह से लिवर में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से भूख नहीं लग पाती, अपच होता है इंसान को, यानी कि ठीक से डाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाता, और ये अल्टीमेटली लीड करता है वेट लॉस, यानी कि डेंगू के बाद देखा गया है कि पेशेंट में सीवियर वेट लॉस हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं डेंगू के बाद देखा गया है कि पोस्ट रिकवरी सिम्टम्स इनको बोला जाता है। इनके बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है, वो है कि ठीक से खाना खाएं, प्रॉपर हाइड्रेशन लें, प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। डाइट इन सब कंडीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है, इसीलिए इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से आपसे बात करेंगे। आई होप मेरा ये वीडियो यूजफुल था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।